हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1200 स्क्वायर फीट का भवन है, उसमें वृक्ष की संख्या क्या होगा, वृक्ष की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप भवन बना रहे हैं, आपके पास बिल्डिंग का डिजाइन हो, नक्शा हो, तो आप प्लान देख के बता सकते हैं कि उसमें वृक्ष की संख्या कितना लगेगा। या ये आपको हेल्प करेगा, आप साइट पे विजिट कर रहे हैं तो साइट पे आप बिल्डिंग देख के बता सकते हैं कि इसमें कितना ईंट की संख्या लगा होगा। तो मेरे पास एक प्लान है जो 1200 स्क्वायर फीट का है, तो 1200 स्क्वायर फीट में देखेंगे कि अप्रोक्स मेरा वृक्ष की संख्या कितना लगेगा। तो आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 1200 स्क्वायर फीट का प्लान दिया हुआ है। इस प्लान के तहत हम कैलकुलेट करेंगे कि वृक्ष की संख्या कितना है, बहुत ही इजी एवं सरल तरीका से देखेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो पे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आप ये प्लान देख रहे हैं, तो हम इसमें दो चीज देख रहे हैं। फर्स्ट है ये साइड का जो आउटर साइड का जो वॉल है आपका, ये आउटर साइड का वॉल वो आपका 9 इंच का वॉल है, और जो इनर वॉल जो है अंदर का वॉल है वो आपका 4.5 इंच का वॉल है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, जो 9 इंच का वॉल है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट में 9 इंच का वॉल लेंगे, 9 इंच वॉल। तो 9 इंच वॉल में आप देख रहे हैं टोटल ये जो फिट दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे। आप ये देख रहे हैं कितना टोटल हुआ, 10 + 8 + 10 + 12 + 12 + 8 + 20 है, फिर आपका प्लस में इस साइड आएंगे सेम वही आ जाएगा, आपका सेम आपका यहाँ तक का आ जाएगा, यार इतना जितना आएगा उसमें आप क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप प्लस में क्या होगा 20। और इस साइड आप देख रहे हैं कि यहाँ वॉल नहीं है, तो इसको आइए कैलकुलेट करते हैं। जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये टोटल जो है आपका 60 फीट होता है, यानी 2 × कितना कीजिएगा 60, और प्लस में कितना है आपका 20, तो ये आपका आ जाएगा 120 + 20, ये आपका टोटल पेरीमीटर जो है कितना आ गया 140 फीट। और ये जो हाइट हम उठाएंगे, हाइट आप कितना लीजिएगा 10 फीट तक लीजिएगा, तो हाइट 10 फीट से आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका कितना आ गया 1400 स्क्वायर फीट। तो आप देख रहे हैं कि 1400 स्क्वायर फीट हो गया। तो एक थंब रूल है आपका कि 1 स्क्वायर फीट में जो है आपका 1 स्क्वायर फीट में आपका 1 स्क्वायर फीट में आपका आता है 9 इंच, यानी 9 जाएगा आपका ब्रिक का। तो टोटल मेरा 1400 स्क्वायर फीट है, तो आप क्या कीजिएगा इसे मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो 1400 स्क्वायर फीट में आपका आ जाएगा 1400 × 9, तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 12600, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक आपका कितना आ गया 12600। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे जो मेरा 4.5 इंच का वाला है, यानी इनर का जो वाल है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट, यानी सेकेंड में 4.5 इंच का वाल इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल कितना है मेरा, यानी आप यहाँ देख रहे हैं 14 फीट ये है और 14 यहाँ, आप ऐड कीजिएगा 14 फीट प्लस 14 प्लस फिर 14 आपका यहाँ है प्लस 14 प्लस में 14 और प्लस में 6 फीट आपका यहाँ है और प्लस 14 और प्लस 6 और प्लस में 5 फीट, टोटल आपका इनर वॉल इतना है। टोटल आप क्या कीजिएगा ऐड करेंगे, टोटल ऐड करने के बाद जो है ये आपका आ जाता है 87 फीट, यानी 87 फीट आ गया। अब इस वॉल का हाइट कितना होगा, 10 फीट तक ऊंचाई तक लेते हैं हम लोग, यानी 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10 फीट से, ये आपका टोटल आ गया 870 स्क्वायर फीट। तो आप देख रहे हैं कि जो 4.5 इंच का वॉल है वो आपका 870 स्क्वायर फीट आ गया। अब इसका भी हम थंब रूल देखेंगे कि इजी तरीका से हम कैसे ब्रिक की संख्या निकालेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जब मेरा वॉल जो है 4.5 इंच का रहेगा तो इस केस में जो होता है 1 स्क्वायर फीट बराबर हम लेते हैं आपका 4.5 नोज नंबर ऑफ ब्रिक। तो मेरे पास ये कितना है 870 स्क्वायर फीट, 870 स्क्वायर फीट में क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये टोटल आपका मल्टीप्लाई करने 3915, यानी इतना नंबर ऑफ ब्रिक आपका आ गया। और टोटल जब हम ऐड करेंगे, यानी 9 इंच वाला और 4.5 इंच वाला, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक आपका आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक 3915 ये हुआ 4.5 इंच का, और 9 इंच का आपका कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक 12600।
टोटल आप ऐड कीजिएगा तो टोटल ब्रिक की संख्या आपका हो गया 16,505 इतना नंबर ऑफ ब्रिक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ही इजी तरीका से जब मेरे पास प्लान हो तो हम पहले ही ब्रिक की संख्या कैलकुलेट अप्रोक्स कर सकते हैं।